नमस्ते। हेलो, नमस्ते भैया। कल मेरा वही कुछ था जो डिस्कशन हो रहा था कि सेल्फ और बॉडी की जो भाव होते हैं हमारे अंदर, और हमारे जो तीन हुए हैं, जैसे कि हम जिसको बोलते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी। तो जैसे कि हम रिलेशनशिप में रहते हैं और सोसाइटी में रहते हैं, तो हम जो चीज काम भी करते हैं, हमारा ऑफिस वर्क डे टू डे, हम बॉडी एंड सेल्फ को जो विचार देख रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, कि जैसे भी काम करें हमारा जैसे भाव बिगड़ना नहीं चाहिए, विथ रेस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, फिजिकल फैसिलिटी एंड सोसाइटी, इसी का ऊपर डिपेंड बात हो रहा था। और एक चीज आया कि जैसे कि कोई एक किसी का घर में फैमिली बिजनेस है और वो अपना ये तीन चीजों को डिस्टरबेंस नहीं करके अपना काम कर रहे हैं सही ढंग से, वो अपना सब सबको देख रहा है, सोसाइटी को देख रहा है, सबको देख रहा है, काम कर रहे हैं, मगर वो पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि आपने बोला कि हमारा पास फिजिकल फैसिलिटी अनवरत हो गया, तो कोई अगर अपना काम कर रहा है तो उसके पास फिजिकल फैसिलिटी में पैसा आ रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि बाइंग कपड़ा, रोटी, कप, मकान एंड दैट थिंग, ही इज अर्निंग। तो यहाँ पे उसका भाव नहीं बिगड़ रहा है, यहाँ पे उसने राइट अंडरस्टैंडिंग भी कर रहा है और रिलेशनशिप में रह रहा है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट भैया? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। और आपने एक जी और चीज बहुत अच्छा बताया था जो मुझे समझ में आया था। मैं कल बोला कि मेरा, मैं भी तो साइंस बैकग्राउंड का था, तो एक भैया का क्वेश्चन साइंस बैकग्राउंड का था कि मैं, वो समझ नहीं सक रहे थे कि माइंड सेल्फ और हमारा ब्रेन का अंतर क्या है। तो हमें तो समझ में आया कि ब्रेन इज इंस्ट्रूमेंट दैट कम्युनिकेट्स टू द सेल्फ। जी तो जो आपने दूसरी बात कही तो वो ठीक है। अगर हम परिवार में रहते हुए उत्पादन करके हम समृद्धि के भाव को सुनिश्चित कर सीधा पा रहे हैं, तो यदि हम परिवार में रहते हुए अपनी सुविधा की आवश्यकता की ठीक ठीक पहचान कर कर समृद्धि के भाव को सुनिश्चित कर पा रहे हैं, उत्पादन इस विधि से कर रहे हैं जिससे परिवार भी समृद्ध हो रहा है और शेष प्रकृति भी संवर्धित हो रही है, एनरिच हो रही है, तो अच्छी बात है। तो कल जो बात हो रही थी उसको मैंने थोड़ा सा इसलिए इसमें टोका था कि ये बात हो रही थी कि हम कुछ भी करें, है ना, करोड़ों रुपए कमाएं, हमारा भाव ठीक रहना चाहिए, तो ये बात नहीं कही जा रही है। हम सुविधा की आवश्यकता को ठीक ठीक पहचाने, मानव के साथ संबंध का ठीक निर्वाह करें, प्रकृति के साथ संबंध का निर्वाह करें और अपनी आवश्यकता पूरी करें, तो अगर हम इसको पूरा कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम ना तो मानव का शोषण कर रहे हैं ना प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, है ना, और हम उतना ही उत्पादन कर रहे हैं जितने की आवश्यकता है, उससे थोड़ा अधिक कर रहे हैं। अगर इसको हम पूरा कर भैया, पा रहे मगर हैं मेरा बहुत अच्छी। इसलिए सवाल है कि मान लीजिए कोई हायर पोजीशन में है, डीन का पोजीशन में है, या वाइस चांसलर है, या प्रो वाइस चांसलर है, और उन्होंने भी ये कोर्स किया है और ये समझ में आ गया उन्हें, और उनका सैलरी अगर 4 लाख महीना का है, तो हम उनको बोलेंगे क्या कि आपको पैसा तो समृद्धि ज्यादा है, आप तो ज्यादा फिजिकल फैसिलिटी एक्यूमुलेटेड करते होंगे? इज इट लाइक दैट नहीं तो अगर कि इतनी सैलरी वो तो बहुत बंदा, अच्छी बात है। सॉरी सॉरी हाँ सॉरी, और एक चीज इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि वो बंदा कभी सोचेगा नहीं कि मैं प्रमोशन करूँ, कि मेरा इतना साल एक्सपीरियंस हुआ तो मैं और आगे जाऊँ। जैसे कि देयर शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज विथ द थ्री थिंग्स, विथ द व्हाट बायोलॉजिकल ऑर्डर, व्हाट एवर ही इज वी आर स्टडिंग, इफ इट इज नॉट इंटरप्टिंग एंड ही इज गिविंग टाइम टू द सोसाइटी ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि हमारा फिजिकल फैसिलिटी बहुत होते जा रहा है, समृद्धि हम एनरिच्ड होते जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा, मेरा सवाल यही था। तो इंसान तो ड्रीम जो होता है, जो देखता है कि अपना करियर में कुछ गोल करते हैं, कि जो प्रो वाइस चांसलर था वो वाइस चांसलर बनेगा सोचता है, तो वो नहीं करना चाहिए क्या भैया? जी तो दो अलग अलग चीजें हो गई। एक तो समाज की व्यवस्था में भागीदारी के लिए पद हैं, है ना, तो हम देख सकते हैं कि शिक्षा में अगर हमें भागीदारी करनी है तो हम इन पदों पे जाकर शिक्षा में भागीदारी कर सकते हैं। तो हमारा प्रयोजन जब भी हम कोई पद चुनते हैं तो व्यवस्था में भागीदारी के अर्थ में होगा, समझ के साथ। तो हम कोई भी ऊंचा पद चुन रहे हैं उसके साथ हम देख सकते हैं कि हाँ, इसमें एक बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का अवसर है और वो
अवसर बना ही हुआ है और उसका हम सदुपयोग भी कर सकते हैं। जैसे AICT में ये बात गई और चेयरमैन सर को ये बात समझ में आई और उन्होंने पूरी बात को सुना समझा, तो उससे पूरे देश में लागू हो पाया। किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर को बात समझ में आती है, पूरी यूनिवर्सिटी में लागू हो पाता है। तो हर पद का सदुपयोग है। हमें ये दिखाई दे कि जो पद होता है संस्थाओं में वो एक बड़ी व्यवस्था भागीदारी के अर्थ में है और हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इसके साथ जो हमें सैलरी मिल रही है हम उसको भी देख सकते हैं कि ये जो मेरी सुविधा की आवश्यकता है ना उससे अधिक है कि नहीं। तो अगर अधिक है तो बहुत अच्छी बात, हम समृद्धि के भाव को अपने आप में देख पाएंगे और जो शेष होगा उसका हम सदुपयोग कर पाएंगे समाज की व्यवस्था के अर्थ में। जो शेष होगा उसको हम समाज की व्यवस्था के अर्थ में सदुपयोग कर पाएंगे। नहीं जी हाँ, तो अगर हमको सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक से हो पाती है तो हमें दिखता है कि हाँ इतना सारा भी शेष है जो मेरी आवश्यकता से दिखे, तो हमें उसके लिए संग्रह नहीं करना है, उसका सदुपयोग करना है। उसका हम सदुपयोग करते हैं। किस अर्थ में करते हैं? अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदारी के अर्थ में करते हैं। भैया जी मेरा सवाल ये है कि जैसे लोगों को पता है कि मैं ह्यूमन वैल्यू का जैसे कोर्स करता हूँ जो आसपास लोगों का है, तो कुछ लोग समाधान के लिए आते हैं और मेरे पास, तो उसमें बोल देता हूँ सेल्फ एक्सप्लोर करिए, उनको समझाता हूँ, तो वो बड़ा ही अच्छा कॉन्फिडेंस फील करते हैं, चलो आपने बताया, मतलब जो टेंशन था टेंशन रिलीज हो गया, तो यहाँ तक तो ठीक है मेरे लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मेरे पास कोई भी आता है तो वो ना अपना जो भी मतलब कॉलेज में स्कूल में जो भी प्रोफेशनल लाइफ में द्वंद चल रहा होता है या घर में जो द्वंद चल रहा होता है वो इंसान ना मुझे वो शेयर करने लगता है, तो वो क्या होता है ना 15-20 मिनट की बात सुनता हूँ बड़े ध्यान से, तो खैर जो भी मैं सलूशन देता हूँ उसका, लेकिन उस 15-20 मिनट ध्यान से सुनने के बाद ना मेरा सर बड़ा भारी हो जाता है और जो भी उसका मतलब डाउट है या इंटेंशन है वो अपने बारे में बताता है, मैं ध्यान से सुनता हूँ, कुछ नहीं बोलता हूँ, लेकिन उसके बाद ना मैं अपने अंदर बड़ा डिस्टर्बेंस पाता हूँ। ये मैं 2-3 बार से देख चुका हूँ अपने लाइफ में, तो मुझे इन सब चीजों को कैसे लेना चाहिए, क्या करना चाहिए कि मेरे पास दिन मतलब खिंचा खिंचा सा रहता है, प्रॉब्लम उसकी सुनता हूँ लेकिन मेरा दिन पूरा खराब मेरा होता है। आपको अपनी योग्यता और बढ़ानी है। देखिए एक तो अच्छी बात यह है कि लोग आपके अंदर कुछ योग्यता देख पा रहे हैं जिसके कारण वो आपके सामने अपनी समस्या को लेकर आ रहे हैं और आपसे समाधान मांग रहे हैं, है ना। तो हम तो एक तो अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे ताकि हम उनको समाधानित कर पाए, दूसरा यदि हम उससे स्वयं विचलित हो जा रहे हैं परेशान हो जा रहे हैं तो यानी हमको अपनी योग्यता और बढ़ानी है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं। तो अगला व्यक्ति अपनी कोई समस्या कह रहा है संबंध के भाव से कह रहा है, अगर हमारे अंदर उस संबंध का भाव होगा और हमारे अंदर व्यवस्था की समझ होगी तो हम उनकी समस्याओं को समाधानित कर पाएंगे, हम खुद क्यों विचलित हो जाएंगे परेशान होंगे उससे। भैया जी ऐसा लगता है ना कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जैसे मैं एग्जांपल दूं छोटा सा, मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, एक बिटिया स्केटिंग करने जाती है तो वहाँ एक बिटिया और थी, तो स्केटिंग करते थे नाखून उखड़ गया, हम डॉक्टर के पास लेके भागे, अच्छा नाखून बच्चों में हमारे भी उखड़ा है कई बार, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोल रहा है अब उसके मतलब उनके पेरेंट्स को इसकी प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, मैं इतनी बात से हैरान हो गया कि डॉक्टर बोल क्या रहा है, मैं तो शांत रहा, मैंने कुछ नहीं बोला, ये काफी देर तक मेरे मन में चलता रहा कि डॉक्टर भी ऐसा भी कर सकता है कोई डॉक्टर, मतलब ये तो नेचुरल सी चीज है, अंगूठा नाखून उखड़ा आ जाएगा, तो जब मैं ऐसी चीजें सुनता हूँ देखता हूँ तो मेरा मन और विचलित हो जाता है, ये कैसे संभव है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये सब चीज आ जाती है। अब ये अलग मुद्दा है, यहाँ पे डॉक्टर आपके सामने अपनी समस्या को लेकर नहीं आ रहे हैं ना, वो तो कुछ सुझाव दे रहे हैं जो आपको अनुचित लग रहा है, हमको दिख सकता है कि हाँ ये सुझाव अनुचित है, डॉक्टर जो सुझाव दे रहे हैं इसकी आवश्यकता नहीं है, तो हो सकता है डॉक्टर में समझ का भाव हो तो किसी और भाव के साथ ये सुझाव दे रहे हैं, हम इससे परेशान क्यों होंगे। देखिए हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर खुद कुछ मान्यताएं बनी होती हैं, ठीक है ना, और वो मान्यताएं हावी हो जाती है हमारे विचारों पर तो हम परेशान हो जाते हैं। तो जैसे हमने ये मान लिया कि डॉक्टर को तो समझदार जिम्मेदार होना ही चाहिए और हमें दिख रहा है कि अभी नहीं है, हम परेशान हो गए, तो हमने क्यों मान लिया कि होना चाहिए, हमें दिख ही रहा है ना कि जब हम इतने एक्सप्लोरेशन के प्रोसेस से गुजरते हैं तब जाकर हमारे अंदर समझ बनती है, अगला व्यक्ति नहीं गुजर पाया अभी तक इस प्रोसेस से तो समझ नहीं बन पाई है।
हाँ, यहाँ पे मैं थोड़ा तो लैकिंग कर जाता हूँ कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाले को होना चाहिए, तब मैं जो और परेशान हो जाता हूँ, फिर एक्सेप्ट करने में दिक्कत होता है। मेरे ख्याल से इसको काम करना पड़ेगा। सर, जहाँ तक जो कल और परसों में जो एक्सरसाइज थी, और वही एक्सरसाइज मैंने स्टूडेंट्स को भी कही करने के लिए कि 3 मिनट, ज्यादा तो बच्चे नहीं कर पाया क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो वही क्वेश्चन बच्चों ने किया कि जो मैंने आपको सर कहा था कि ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्क है, तो वो मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ था, मेरे मैंने एक्सपीरियंस करा था, तो वो एक ऐसी क्रिएशन डेवलप हुई कि उसमें से एक बच्चा बोला मैम ये बहुत मुश्किल है, मैं कहा मुश्किल नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे, आप एक्सपीरियंस कीजिए और क्या क्या आपके थॉट्स में है उसको ऑब्जर्व कीजिए और इवेलुएट कीजिए, तो इससे इजीली हो जाएगा कि हम अपनी पार्टिसिपेशन पहले अपने साथ कर रहे हैं और फिर हम दूसरों के साथ सहसंबंध में कितना भागीदारी निभा रहे हैं उसमें हमें पता चलेगा, वो भागीदारी हमारी फैमिली में भी नजर आएगी और फ्रेंडशिप में, सर्कल और सब जगह भी नजर आएगी, तो बच्चे इस बात को बहुत इजीली समझ गया कि अगर मैं थ्योरेटिकल उनको समझाती शायद मे भी पॉसिबल नहीं हो पाता, पर कल मेरे को इतना अच्छा लगा कि वो मैंने अपने में भी ऑब्जर्वेशंस करी, वो एक्सपीरियंस लिया, वो डेवलपमेंट हुआ मैं में, और वो भागीदारी मैंने पहले अपने आप में निभाई ना, तो वो मेरे को यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि जब हम खुद में ही अब अकाउंटेबल और ट्रांसपेरेंसी नहीं लाएंगे तो ऑब्वियसली वो अदर्स रिलेशनशिप में इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो वहां कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो जैसे मेरे से पहले सर बोल रहे थे कि वो डॉक्टर से, तो एक्चुअल में वो वर्क मेरे को ऐसे जहां तक मेरी समझ ने समझा है, मैंने समझा है कि जब तक हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहे ना, तो वो कॉन्ट्राडिक्शन संबंधों में आ ही जाएगा, ऑब्वियसली वो आएगा ही आएगा, वो एक प्रोसेस है ही है, उसके ऊपर हमें वर्क करना है, तो ये जो मेरी समझ यहाँ तक बैठी है, तो उसमें कल तो मेरे को बहुत अच्छा लगा बच्चों के साथ, जो मैं यहाँ लर्न कर रही हूँ वही प्रैक्टिसेस मैं वहां पे कर रही हूँ ना, तो ऐसे लग रहा है कि वो मेरी एक जो एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है और प्रैक्टिकल और थ्योरी तो दोनों वर्क हो रहे हैं मेरे साथ, तो इसमें बहुत एक मैंने अपना रिलैक्स फील करा है, और ऐसे लग रहा है कि जितनी भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं मेरी मेरे रिलेशनशिप्स में या मेरे फैमिली मेंबर्स में, मेरे अदर सोसाइटी में, मेरे ये सब ऐसा ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, कि जो मेरी सोसाइटी के भी साथ कॉन्ट्राडिक्शंस थी, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों नहीं होता, ये सब ऐसे लगता है कि हमारी जो एक राइट अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह अगर डेवलप हो जाए, अगर हम लोग अपने आप पे इतना वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें और कोई तो प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली, वो वहां हमारा अपना पार्टिसिपेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीयर और डूअर का, तो ये UHV ने जो मेरे साथ डेवलप करा है मेरे में, तो वो एक बहुत ही मैं कहती हूँ कि मेरे साथ और लोगों को जैसे पता चल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी, यानी कि हमने इतने साल ये जो वर्क हमें पहले करना चाहिए था वो हम अपनी +50 के बाद ये कर रहे हैं, तो जो बच्चे इसमें छोटी एज के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनकी ये भागीदारी बनती है कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर्स करें, एक्चुअल में जो सेल्फ में ट्रांसपेरेंसी है जब तक हम उसको डेवलप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हम सोसाइटी में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाएंगे, उसके पहले तो हमें अपने पे ही करना है, फिर हमें अपनी फैमिली में नजर आएगा और फिर सोसाइटी में, तो ऑब्वियसली जहां पर भी हम खड़े होंगे, जहां बात करेंगे लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, वो मेरे को ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना मेरे में, वो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा जो UHV से मैंने दिया, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, नाइस शेयरिंग जी, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे थे कि ह्यूमन बीइंग को देखें, मानव को देखें, तो मैं और शरीर, इन दो जी वास्तविकताओं का सह अस्तित्व है, और इसको हम लोग अभी एक्सप्लोर करना शुरू किए थे कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, शरीर जो है वो साधन मात्र है। तो इसको और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। भैया सर, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा जी। एक बात और शेयर करनी थी, तो सर एक कल मेरे साथ
वैसे ये शेयर करनी नहीं चाहिए, बहुत छोटी सी बात है, पर मैं खुद अपने आप में बड़ी हैरान हुई सोचने में, जहां मेरे को ऐसा लग रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहाँ वर्क करती है। तो उसमें मैं ऐसे ही रेडी हो रही थी, ये प्रोग्राम सुनते सुनते ही, तो मेरे को पता ही नहीं चला कब मैंने वो कलर सेलेक्ट करा और कब मैंने वो बिंदी लगा दी। मैं कहा ये कैसे हुआ भाई, जब मैंने लगा ली अपने आप को मिरर में देखा, अरे ये कैसे हो गया। तो मेरा सीयर इतना मेरा सेल्फ इतना डेवलप हो गया कि वो वर्क कर रहा है, ऑटोमेटिक वर्क कर रहा है। तो ये चीज में मैंने जब एक्सपीरियंस करा ना, मैं कहा अरे ये तो एक सेकंड में कैसे हो गया, तो मेरे को पता ही नहीं चला कैसे हो गया। तो ये चीजों में भी बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। तो कई बार ये ऑटोमेटिक भी चल रहा है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे लोग कहते हैं ना कि ये एक पावर आती है, ये खुदा करता है, ये हमारे में अपने में ही ये सारी चीजें हैं जो सीयर और डूअर कर रहे हैं। तो हम उनको समझ नहीं पाते, हमारी वो राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाती। जहां तक मेरे को ये लग रहा है कि हमें अपने आप को इतना डेवलप करने का चाहिए कि वो ऑटोमेटिक वो सारा प्रोसेस वो व्यवस्था और प्रक्रिया में नजर आए। जी, ये जो आपने उदाहरण रखा ये सीयर डेवलप होने की बात नहीं है इसमें। इसमें तो ऐसा हो सकता है कि आपका कहीं ध्यान और था और साथ ही साथ एक निर्णय हो रखा था कि मुझे इस तरह की एक्टिविटी करनी है, जो भी आपने उदाहरण लिया। तो सीयर का मतलब तो ये हुआ कि जो भी मेरे अंदर चल रहा है उसको मैं शुद्ध दृष्टा के रूप में देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे तो वो बात नहीं हुई, तो उसको थोड़ा सा और आप ध्यान दें। अभी हम लोग इसको आगे और डिस्कस करेंगे तो और क्लैरिटी बनेगी कि सीयर का मतलब क्या है। जी जी जी, जी सर तो सीयर का अर्थ क्या हुआ अगर उसको हम देखते हैं? तो सीयर मीन्स देखने वाला, समझने वाला। तो जैसे अगर आपके हाथ में कुछ दिया जाए और आप कंक्लूड करते हैं कि एक पेन है, तो अल्टीमेटली आंखें नहीं है जो कंक्लूड कर रही हैं कि पेन है, आपने कंक्लूड किया। तो आप आंखों के माध्यम से देख रहे हैं, आंखें स्वयं से नहीं देखती। आप देखेंगे कि हमने पेन को भी पकड़ा है तो पेन को भी हमने एक तरीके से पकड़ा है। अब पेन को हम घुमा के पकड़ते हैं तो आंखों में जो रूप बन रहा है वो बदल जाता है, फिर उसको हम घुमा के पकड़ते हैं फिर रूप बदल जाता है, फिर आप पेन को दोनों हाथों से छुपा लीजिए तभी हम तय कर पाते हैं कि ये पेन ही है। तो अल्टीमेटली आंखों में रूप तो हर बार अलग अलग बन रहा है, बट मैं ये तय कर पाता हूँ कि ये पेन है, ठीक है ना। इसमें आंखों का कुछ रोल है, ब्रेन का भी कुछ रोल है, बट अल्टीमेटली ये जो तय करता हूँ कि ये पेन है, ये तो मेरा मेरी क्रिया है, मेरे अंदर ये निर्णय हो रहा है। तो देखने वाला मैं हूँ, आंखें नहीं, है ना। आंखें एक यंत्र के रूप में है, मेधस या ब्रेन भी एक यंत्र के रूप में है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो भी 5 सेंसेज हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, है ना, जिसमें आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये पांचों जो ज्ञानेंद्रिया हैं, ये शरीर के अंग हैं और ये बाहर की चीजों को देखने में समझने में हमें सहयोग करते हैं। तो जैसे आप बाहर की चीजों को देख सकते हैं वैसे ही आप भीतर भी देख सकते हैं, है ना, बिना संवेदना का प्रयोग किए। तो यदि हमको बाहर की चीजों को देखना हो तो हमें संवेदना की आवश्यकता है कि नहीं? बट यदि स्वयं में देखना हो, अपने भाव को देखना हो, विचार को देखना हो, अपने संस्कारों को देखना हो, इसमें संस्कारों इसमें संवेदना की आवश्यकता भी नहीं है, शरीर से कोई सूचना के आदान प्रदान की आवश्यकता भी नहीं है, मैं सीधा सीधा देख सकता हूँ। जैसे आप ये देख सकते हैं कि आप सुखी हैं या दुखी हैं, आप आराम में हैं या परेशान हैं, आप आवेश में हैं या शांत हैं, इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया कि ये सेल्फ है, मैं हूँ जो देखता है और समझता है, ठीक है ना। तो उसमें कभी कभी मैं शरीर का सहयोग लेता हूँ, कभी कभी मैं शरीर का सहयोग नहीं भी लेता हूँ। और इस पूरे प्रोसेस में जो शरीर है वो एक साधन के रूप में काम करता है। तो अभी इस चीज को समझने से ये जो शरीर के साथ हमने अपनी एक रूपता बना ली है उसको हम थोड़ा सा और मूल्यांकित कर पाते हैं। तो हम बारीकी से देखने वाली प्रक्रिया को भी तय कर सकते हैं। इनफैक्ट देखने का अर्थ भी क्या है, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में, कि आंखों से मैं कुछ देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ, इकाई का रूप देख रहा हूँ, है ना। रूप में परिवर्तन को देखकर मैं उसका गुण का विश्लेषण कर ले रहा हूँ। बट कुछ और भी चीजें हैं जो देखने की हैं, जो मैं आंखों से नहीं देख पाता, जिसका मैं विश्लेषण भी नहीं कर पाता, वो मुझे सीधा सीधा ही देखना बनता है। तो जितना जितना हमको अवेयरनेस होगा सेल्फ के प्रति,
आपको दिखाई देगा कि देखने में शरीर का तो बहुत ही लिमिटेड रोल है। इकाई के भिन्न भिन्न आयामों में हम सिर्फ एक आयाम को आंखों से देख रहे हैं, अन्य आयामों को तो मैं स्वयं ही तय कर रहा हूँ या स्वयं ही देखने वाला हूँ कि नहीं। भैया मेरे ये क्वेश्चन है कि जैसे सेल्फ जो है वो एक डिफरेंट यूनिट है, कॉन्शियस यूनिट है, और जो बॉडी है जिसके थ्रू हम ये सब कर रहे हैं वो एक फिजिकल यूनिट है, मतलब उसका सिस्टम अलग है, सारा मटेरियलिस्टिक है और सेल्फ का अलग है। तो ये जो इंटरेक्शन हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही है इंफॉर्मेशन की, तो ये कैसे हो रही है फिजिकल यूनिट और सेल्फ के बीच में? सूचना के रूप में हो रही है, जैसे अब ये आपने कुछ कहा तो आपने पहले निर्णय लिया अपने आप में, मुझे हैंड रेज करना है, कोई बात अपनी कहनी है, ये सारा कुछ आप में चला है ना। फिर अगर आपने हाथों को इंस्ट्रक्ट किया तब जाकर ये बटन क्लिक हुआ और उसके बाद फिर ना हैंड रेज हुआ। फिर आपका जब माइक आया तो आपने बोला, तो बोलने के पहले आपने अपने अंदर विचार किया मुझे क्या कहना है, क्यों कहना है, कितना कहना है, कैसे कहना है, ये सारा आपने अपने अंदर तय किया। फिर उसके बाद वो सूचना जब शरीर को गई तो मुंह से शब्द निकले। इस बात को हम बारीकी से देख सकते हैं अपने आप में, ये पूरी प्रक्रिया किस प्रकार से हो रही है, कैसे मैं अपने अंदर तय कर रहा हूँ, निर्णय ले रहा हूँ, कैसे मैं शरीर को निर्देश दे रहा हूँ, और फिर शरीर कैसे कार्य कर रहा है। वैसे मैं जब बोल रहा हूँ तो आप शब्दों को सुन रहे हैं है ना, और इन शब्दों के अर्थ को आप तय कर रहे हैं कि हिंदी भाषा आपको आती है तो आप अर्थ को तय कर पा रहे हैं, अगर हिंदी नहीं आती सिर्फ अंग्रेजी आती तो मेरे शब्दों को आप नहीं समझ पाते। ये सारा भी कहाँ हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, मैं जो कह रहा हूँ उसके पीछे आप मेरे भाव को भी देख पा रहे हैं कि मैं संबंध के भाव से कह रहा हूँ या कोई अन्य भाव है, ये सब कहाँ हो रहा है, ये सब मैं में हो रहा है। बट जैसे अगर हम जो भी हमारे टेक्नोलॉजिकल या कोई भी डेवलपमेंट्स है, कुछ भी और डिवाइसेस हैं, जैसे सपोज ये मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन एक मटेरियलिस्टिक यूनिट है और मतलब फिजिकल यूनिट है, जिससे वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे एक पर्टिकुलर रेंज पे एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन को कैच कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को कैच कर रहे हैं जिसके बेसिस पे नेटवर्क चल रहा है। तो ये तो हमें मतलब दिखाई देता है कि ये कुछ फ्रीक्वेंसी ये उसको हमने कैच किया है किसी डिवाइस के थ्रू। तो सेल्फ तो इस मटेरियलिस्टिक के बाहर है, मतलब वो इसका पार्ट नहीं है मटेरियलिस्टिक चीज का, वो कैसे कैच कर लेते हैं मतलब इंफॉर्मेशन को? जी, तो आपके शरीर में इसी बॉडी के ही क्यों करती है? जी, तो आपके शरीर में फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही है ना, आपके ब्रेन में भी कुछ एक्टिविटी हो रही है, जड़ क्रियाएं हो रही हैं, ठीक, और उन जड़ क्रियाओं में पहचाना निर्वाह करना हो रहा है। जैसे मोबाइल में पहचाना निर्वाह करना होता है उसे सिमिलर, तो मोबाइल तो पदार्थ अवस्था की इकाई है, इसमें पहचाना निर्वाह करना की एक सीमा है। शरीर एक प्राणावस्था की इकाई है, उसमें पहचाना निर्वाह करना थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड है ना, एक अलग लेवल पे हो रहा है, बट है वो पहचाना निर्वाह करना ही। तो शरीर में ये सब क्रियाएं हो रही हैं, अब ये मेधस तक पहुंचती हैं, ठीक, फिर मेधस से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो मेधस से मेरा जुड़ाव है उसको भी देखा समझा जा सकता है कि किस प्रकार से है ना। तो ब्रेन पे जो सारा रिसर्च हुआ है उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो उसके बारे में कुछ आपको हिंट मिलेगा कि ब्रेन का कौन सा भाग है जो इस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा है, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं, बट इसको हम सीधा सीधा देख भी सकते हैं अपने आप में। तो ये दिखता है कि ब्रेन में कुछ हुआ है ना, और वो फिर उसको मैं पढ़ता हूँ अपने निर्णय के अनुसार, उसको मैं पढ़ता हूँ और फिर मैं उसको अर्थ देता हूँ, फिर जो मैं अर्थ देता हूँ उसके साथ अपने भाव को जोड़कर फिर मैं निर्णय लेता हूँ कि अब मुझे इसके साथ क्या रिस्पॉन्स देना है। फिर मैं वो जब निर्णय लेता हूँ तो फिर मैं वो संकेत शरीर को देता हूँ। तो ये मेरे और ब्रेन के बीच में एक सूक्ष्म स्तर पर सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। इस बात को हम कुछ हद तक जो प्रिवेलेंट साइंस है उसमें जो स्टडी हुआ है उससे भी सहयोग ले सकते हैं, और हम इसको सीधा सीधा अपने आप में देख भी सकते हैं, उसके लिए थोड़ी और योग्यता अपनी को बढ़ानी होगी। तो वो एक भाग है कि मेरे अंदर कोई चैतन्य क्रिया हो रही है और शरीर में जड़ क्रिया हो रही है, ये चैतन्य क्रिया जड़ क्रिया के साथ किस तरह से सहअस्तित्व में है ये अध्ययन का मुद्दा है। इसको हम देख सकते हैं कि जो सूचना मेरे अंदर है वो चैतन्य रूप में है, सूचना शरीर में गई वो जड़ रूप में है, ये सूचना
है ना, कैसे जड़ से चैतन्य, चैतन्य से जड़ के बीच में ट्रांसफर हो रही है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं, इसको हम सीधा सीधा ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, और इस पे जो शोध हुए हैं ब्रेन में, ब्रेन को लेकर, उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं। जी, तो मतलब इसका फर्स्ट स्टेप यही है कि हम अपने आप को ऑब्जर्व करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और ये आप पाएंगे कि ये जो ब्रेन के साथ हमारा सह अस्तित्व है, इसको ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ी और तैयारी चाहिए। तो पहले हम अपने भाव के प्रति सजग हो जाएं, क्योंकि क्या है, हमारी पहले प्रायोरिटी तो बने। तो ज्ञान के मुद्दे पे जो मुख्य मुद्दा है वो प्रायोरिटी का है, हमको दिखाई दे कि ज्ञान से ही सुख है, तब हम उसको अपने लाइफ में प्रायोरिटी रख पाते हैं, अदरवाइज दूसरी प्रायोरिटीज बनी रहती हैं। तो एक बार हमारे अंदर प्रायोरिटी बने लगे कि इसको देखने समझने से ही मेरा सुख का निरंतरता हो सकता है, बाकी सब चीजों से तो निरंतरता नहीं होने वाला। और ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये तो सिर्फ शरीर से सूचना मिलती है और मैं उसको सुख मान लेता हूँ, है ना, या हमने अपने आप में कोई विचार किया और उसमें किसी निष्कर्ष से पहुंचे उसको सुख मान लेता हूँ। जब तक ज्ञान सुनिश्चित नहीं हुआ है, सही समझ सही भाव सुनिश्चित नहीं हुआ है, तब तक सुख की निरंतरता नहीं है। ये जितना जितना स्पष्ट रूप से हमको दिखता है, जीने में हमारी और प्रायोरिटी बनती जाती है उसकी। तो इस प्रायोरिटी को अगर हम ठीक से सेट कर पाते हैं अपने लाइफ में तो दिखने लगेगा। मजे की बात यह है कि मुझे ही देखना है और स्वयं को ही देखना है और मैं अपने साथ हर क्षण उपलब्ध हूँ। तो ये जो अभ्यास एक हम लोग कर रहे थे और ये जो पूरी चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी चर्चा से ये हो रहा है कि हमारे और भी बहुत सारे शंका प्रश्न द्वंद उलझन है ना, वो धीरे धीरे डिस्पेल होते जाते हैं, हटते जाते हैं। और जब अभ्यास करते हैं तो हम उसको एक शुद्ध दृष्टा के रूप में देखने का अभ्यास कर पाते हैं। तो ये दोनों ही चीजें साथ मिलकर हमारे अंदर वो योग्यता को बढ़ा पाते हैं, तो हम सब चीजों को देख समझ सकते हैं, अस्तित्व में कुछ भी रहस्य नहीं है, है ना। और अभी तो हम अपने आप के लिए रहस्य बने रहते हैं, क्योंकि अभी हमने उसको प्रायोरिटी नहीं दी है जानने को, अपने आप को जानने को, उसको प्रायोरिटी देते हैं तो दिखता है। जी, तो ये भी दिखता है कि मैं ही करता हूँ। तो कर्ता का मतलब कि जो निर्णय लेता हूँ, तो मैं ही निर्णय लेता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है, और शरीर को एक साधन के रूप में प्रयोग करता हूँ मैं उस निर्णय को एक्सप्रेस करने के लिए आवश्यकता अनुसार। तो मैं शरीर को निर्देश देता हूँ, जैसे शरीर को कहता हूँ बोलो तो शरीर बोलता है, बैठो तो बैठता है, उठो चलो लेट जाओ खड़े हो जाओ। अब ये सब हमको पता नहीं लगता है, बट ये सारा निर्णय मैं दे रहा हूँ शरीर को, जिससे शरीर कार्य कर रहा है। तो इस बात को भी हम देख सकते हैं, एक तो देखने समझने वाला मैं हूँ, दूसरा ये निर्णय शरीर तक पहुंचाने वाला भी मैं हूँ। तो आपको ये भी दिखाई देगा कि मेरे अंदर बहुत सारा भाव विचार चलता रहता है, हर बार मैं शरीर को निर्देश नहीं करता, आवश्यकता अनुसार करता हूँ। तो मैं अपने अंदर विचार तो हर क्षण कर रहा हूँ, उस विचार को करने में शरीर का कोई रोल नहीं है। जब विचार के अनुसार मुझे व्यवहार करना होता है, कार्य करना होता है, भागीदारी करनी होती है, तब मैं शरीर को निर्देश देता हूँ। तो शरीर को मैं जो निर्देश देता हूँ वो आवश्यकता अनुसार ही देता हूँ। तो मेरे अंदर विचार तो हर क्षण चल रहा है, भाव हर क्षण कोई ना कोई बना हुआ है, ठीक, जहाँ जरूरत होती है वहां मैं शरीर को निर्देश देता हूँ। तो मेरे अंदर कर्ता भाव बना रहता है, कर्ता भाव के अनुसार मैं निर्णय लेता हूँ कब मुझे शरीर का प्रयोग करना है, कब मुझे शरीर का प्रयोग नहीं करना है। आप पाएंगे कई बार हम शरीर को एक अवस्था में रख देते हैं और अपने आप में कुछ विचार करते रहते हैं, ठीक है ना, उसमें हम शरीर के साथ कुछ निर्णय को ट्रांसफर भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतनी स्वीकृति बनी कि शरीर का अवस्था बना रहे हैं, फिर लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन कहीं बाधित हो रहा है, पैर झन्ना रहा है, फिर हम पोस्चर बदल लेते हैं, या हमें लगता है कि पैर पे कोई मच्छर बैठ गया, कुछ हो गया, तो हम फिर कोई निर्णय लेते हैं। तो हम शरीर का तो बिल्कुल एक, अगर हम इसको बारीकी से ऑब्जर्व करें तो आवश्यकता अनुसार एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं। इन बातों को ऑब्जर्व करने से ये बात और क्लियर होगी अपने आप में कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ हूँ, आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग करता हूँ, सूचना लेने के लिए सूचना देने के लिए। मैं आँख खुली रखता हूँ, मेरे सामने पूरा जो भी सामने प्रकृति की इकाइयाँ उन सबका दृश्य बना रहता है, बट मैं उतना ही देखता हूँ जितना मेरे काम का है। कई बार आप पाएंगे कि आप कहीं रहते हैं, है ना, सामने कोई बिल्डिंग है, आप रोज ही उस बिल्डिंग को देखते हैं, बट आपने कभी गौर नहीं किया कि बिल्डिंग में एक फ्लोर पे कोई पर्टिकुलर वस्तु है, आपने कभी देखा ही नहीं, क्योंकि आपके लिए महत्व का नहीं है, ठीक है ना। वैसे ही बहुत सारा विचार हमारे अंदर चलता है, हम कई बार चुप रह जाते हैं, नहीं बोलते, हमको आवश्यकता नहीं लगती बोलने की, जब आवश्यकता लगती है तो बोलते हैं।
तो देखने में भी मेरा निर्णय है ना, जो शरीर के माध्यम से मैं देखने कार्य कर रहा हूँ, और शरीर को जो मैं निर्देश दे रहा हूँ उसमें भी मेरा निर्णय है, ये भी हम ठीक ठीक देख सकते हैं, साफ साफ देख सकते हैं। जी एक प्रश्न है, भाव और विचार को एक बार स्पष्ट करें। तो भाव का मतलब कि हम वस्तुओं के साथ संबंध को किस प्रकार देखते हैं, जो मेरी भागीदारी है, तो जैसे मानव के साथ हमारा कोई भाव है, शरीर के प्रति मेरा कोई भाव है, घर में रखी वस्तुओं के प्रति मेरा कोई भाव है ना, स्वयं में भी मेरा कोई भाव है कि आगे मैं अपने जीवन को कैसा देखता हूँ, है ना, पीछे जो मैंने जिया है उसको मैं कैसा देखता हूँ। तो ये जो संबंध को लेकर हम भागीदारी को जो पहचानने जाते हैं, वहाँ हमारा भाव बना रहता है, उसके साथ हम फिर विचार करते हैं। तो भाव का मतलब है संबंध के अर्थ में भागीदारी, ठीक है ना। तो जब उसके आधार पर हम विचार करते हैं, विचार में क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तुलन करते हैं, ये हमारा विचार है। जी भैया, एक अभी चर्चा चल रही थी ब्रेन के ऊपर, तो भैया एक प्रश्न ऐसा बन रहा है कि मैं पूरे शरीर में फैला होकर सिर्फ ब्रेन से ही सूचना का आदान प्रदान करता हूँ, कि संवेदना जब शरीर में होती है तो वहीं से ही सूचना का आदान प्रदान हो जाता है उसी जगह से, तो भैया इस पर स्पष्टता नहीं बन पा रही है, थोड़ा इस पर क्लियर। सूचना का आदान प्रदान मैं मेधा के माध्यम से करता हूँ, परंतु जब मैं पूरे शरीर के साथ बना रहता हूँ तो पूरे शरीर को मैं जीवंत भी बनाए रखता हूँ। जी जी जी, तो पूरे शरीर को मैं जीवंत बनाए रखता हूँ, शरीर के साथ मेरा संपर्क बना रहता है, और उसके साथ मैं जो सूचना का आदान प्रदान करता हूँ मेधा के माध्यम से करता हूँ। जी, तो भैया सूचना जो है, जैसे मान लीजिए किसी पैर के हिस्से में मुझे कुछ दर्द टाइप का हो रहा है, तो वो सिग्नल नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन तक जाती है, तो ब्रेन से मैं उसको पकड़ता हूँ कि वहीं पर उसको सूचना का आदान प्रदान वहीं पर कर लेता हूँ कि वहां पर मुझे दर्द हो रहा है, ऐसा है। जी, तो इसको हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि शरीर के किसी अंग में कोई घटना हुई तो मैं उसको सीधा सीधा पढ़ता हूँ या मेधस के माध्यम से पढ़ता हूँ। और दूसरा जो प्रिवलेंट साइंस है उसमें भी हम देख सकते हैं कि शरीर की कोई घटना होती है उस पर जो हमारा उस स्टिमुलस को लेकर रिस्पॉन्स बनता है वो ब्रेन के माध्यम से होता है या सीधा सीधा होता है, उसको हम देख सकते हैं। तो अभी जितना रिसर्च है ना, उसमें अगर आप देखें तो वो सूचना ब्रेन तक जाती है और फिर वहां से एक रिस्पॉन्स जनरेट होता है, तो उस रिस्पॉन्स के लिए जो हम लोग अभी अध्ययन कर रहे हैं, अल्टीमेटली रिस्पॉन्स का निर्णय मेरी तरफ से होता है, मैं की तरफ से होता है, ठीक है ना। ब्रेन तक सूचना जाती है, फिर वहां से मुझ तक आती है, फिर मैं कोई निर्देश देता हूँ और फिर मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। यह एक प्रश्न और बनता है यहाँ पर, जब मैं पूरे शरीर में फैला हुआ हूँ तो ब्रेन से ही क्यों सूचना का आदान प्रदान हो रही है, वहां पर संवेदना हो रही है तो वहां पर भी तो पढ़ सकता हूँ। देखिए, तो शरीर के जो अन्य अंग हैं, है ना, उनकी बनावट ऐसी नहीं है कि मैं उसके साथ सूचना का आदान प्रदान कर पाऊँ। तो शरीर का एक भाग है जिसकी बनावट इस प्रकार की है कि सूचना का आदान प्रदान वो कर पाता हूँ, शरीर के अन्य भागों में वैसी रचना नहीं है। जी जी, तो शरीर की रचना के अनुसार होगा ना। जी भैया, जी ठीक है भैया, इसको और देखता हूँ थोड़ा। मैं कल ही देख रही थी, ऐसा मैंने महसूस किया कि हमको कोई चोट लगी तो ब्रेन तक दर्द गया, यानी दर्द है ऐसा महसूस हुआ, और जो फील आया ना उसको लेकर वो मैं था। जी, तो वो दर्द, इनफैक्ट आपने जिसको दर्द कहा ना, वो दर्द भी आप डिसाइड करते हैं। तो शरीर में कोई घटना हुई, हाँ, बहुत ही रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मेधस तक गया, मेधस से आप तक गया, और आपने निर्णय पूर्वक पढ़ा। इससे हम लोग जो अभ्यास दो की बात करेंगे, अभ्यास दो में स्टेप फाइव पे हम देखेंगे कि डिफरेंट स्टेप्स क्या है, कैसे कैसे मैं उसको पढ़ता हूँ, कैसे मैं निर्देश देता हूँ। तो फिर मैंने उसको पढ़ा निर्णय पूर्वक, फिर मैंने उसको एक अर्थ दिया, और अर्थ मैंने दिया कि दर्द है। हाँ ठीक, तो ये दर्द मैंने दिया,
जी ये दर्द हुआ बेसिकली अगर उसको ठीक से एनालाइज करें तो शरीर में कोई घटना हुई, मैंने उसको पढ़ा और मैंने उसको दर्द की संज्ञा दी, मैंने कहा कि ये दर्द है। और फिर मैंने निर्णय लिया कि इस दर्द के अनुसार मुझे अब करना क्या है, इग्नोर करना है, इसका इलाज करना है या थोड़ी देर ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है आगे, ये सारा निर्णय मैं ले रहा हूँ। जैसे आप कहेंगे कि शरीर में कहीं कोई घटना हो रही है उसकी सूचना आती है, हम कहते हैं दर्द है, पैर में दर्द है, ठीक है ना, फिर हम कहते हैं अरे होता रहता है, ये मौसम चेंज हो रहा है, सीजनल है, चला जाएगा। कभी हम कहते हैं कि नहीं, इसको एक दो दिन ऑब्जर्व करते हैं, नहीं ठीक हुआ तो डॉक्टर को दिखाएंगे, कभी हम डॉक्टर को भी दिखाते हैं। मतलब सूचना को भी जो हमने डिसाइड कर लिया वो मैं है, सूचना को जो मैंने पढ़ा और जो मैंने अर्थ दिया वो सारा मैं में हो रहा है, वो मैं है। जी जी ठीक जी। बढ़िया भैया, थैंक यू। ये भी दिखाई दिया कि मैं ही भोगता हूँ, है ना, अंग्रेजी में कहते हैं एंजॉयर या एक्सपीरियंसर, तो मैं ही हूँ जो सुख या दुख को भोगता हूँ, शरीर नहीं। जैसा भी जो उदाहरण आया कि शरीर में कोई घटना हुई और मैंने कहा कि दर्द है, ठीक, और उस दर्द से मैं दुखी हुआ, ये मैं दुखी हुआ, शरीर नहीं। शरीर का कोई अंग कट फट गया तो शरीर में तो बहुत ही रासायनिक घटना हो रही है, अंग कटा, रक्त निकला, खून निकला वहां से, ठीक, और निकलता जा रहा है, ठीक, वो जो घटना हो रही है शरीर में उसकी सूचना मेधा तक आ रही है, मेधा से मुझ तक आ रही है, और मैं फिर उसको अर्थ देता हूँ कि हाँ अगर ये घटना होती रही यानी रक्त निकलता रहा तो शरीर का क्या होगा, तो अल्टीमेटली उससे सुखी दुखी मैं हो रहा हूँ, शरीर नहीं। शरीर में तो जो कुछ हो रहा है बहुत ही रासायनिक है, तो मैं ही हूँ जो उत्साहित होता हूँ या डिप्रेस होता हूँ, मैं ही हूँ जो दुख क्रोधित होता हूँ या प्रसन्न होता हूँ, मैं ही हूँ जो आराम में होता हूँ या परेशान होता हूँ, मैं ही होता हूँ जो उद्विग्न होता हूँ या शांत होता हूँ, तो मैं ही भोगता हूँ, शरीर नहीं। शरीर में जो कुछ हो रहा है वो जड़ क्रिया के रूप में हो रहा है। तो निष्कर्ष रूप में देखें तो इन सब बातों को हम लोग अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, शरीर तो एक जड़ इकाई है। इसको जितना इतना हम स्पष्ट रूप से देखेंगे ना, शरीर का जड़त्व और स्पष्ट होता है हमको। इस जड़त्व से जो अभी हम प्रभावित हो जाते हैं, फिर हम उस तरह से प्रभावित नहीं होंगे, उसको हम एक घटना के रूप में देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़ी हुई एक जड़ इकाई में कुछ घटना हो रही है। इनफैक्ट परंपरा में बहुत सारी विधियों में इस शरीर में होने वाली संवेदना को बारीकी से ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारा अभ्यास भी कराया गया है। तो दिखता है कि अभी हम शरीर में होने वाली घटनाओं से किस तरह प्रभावित होते हैं। तो कोई अनुकूल घटना लगती है तो हमें लगता है बनी रहे, कोई प्रतिकूल होती है तो हमें लगता है ये ना हो, है ना, तो हमारे अंदर उसके प्रति एक तरह का भाव आता है, चला जाए। कभी आता है कि भाव ये घटना बनी रहे, तो हम शरीर में होने वाली घटनाओं से प्रभावित होते रहते हैं, सुखी दुखी होते रहते हैं। परंतु जब हम सही समझ के साथ इन घटनाओं को देखते हैं तो हम इनके साथ अपनी भागीदारी को देख पाते हैं। तो मैं शरीर नहीं हूं इस बात को ऑब्जर्व करने में इन तीनों भावों का, दृष्टा भाव, भोक्ता भाव, कर्ता भाव, इसको अगर वो ऑब्जर्व करेंगे तो और बारीकी से हम देख पाएंगे। जी तो हम इसको ऑब्जर्व करें और जब अभ्यास करेंगे तो इस पर और डिटेल में बात होगी और हम लोग इन मुद्दों पर बात करते भी रहेंगे, लौट लौट कर आएंगे, चर्चा करते रहेंगे। हाँ जी, यस, जो साइकोलॉजी में तीन डोमेन माने गए हैं ब्रेन के, जिसमें एक है कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा है साइकोमोटर डोमेन और तीसरा होता है अफेक्टिव डोमेन। तो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो नॉलेज के बारे में बताता है, जो साइकोमोटर डोमेन है ये हमारे शरीर की क्रिया को संचालित करता है, जिसको हम स्किल डोमेन भी कहते हैं, और तीसरा होता है अफेक्टिव, जो अफेक्शन को रेगुलेट करता है। तो इसको हम जो इंजीनियरिंग एजुकेशन में तीन तरह का जो एजुकेशन देते हैं, जिसको हम कहते हैं नॉलेज, स्किल एंड एप्टीट्यूड। तो नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड, मतलब जो वैल्यू एजुकेशन भी उसमें एप्टीट्यूड में माना गया है, तो नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड ऑफ द हेड, क्वालिटी ऑफ द हैंड और क्वालिटी ऑफ द हार्ट, इसको कह सकते हैं। और इसी को भगवद गीता में जो क्वालिटी ऑफ द हेड, क्वालिटी ऑफ द हैंड और क्वालिटी ऑफ द हार्ट है, इसको ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग कहा गया है। तो ये बात कहां तक पहुंची, मैं का क्या रोल है? हाँ, इसमें मैं का रोल नहीं, इसमें तो ये केवल ब्रेन के फंक्शनिंग और साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है, तो पूरा मतलब फिजी एक मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है। और इसमें जो मैं है वो तो खैर साइंस में उस चीज का वो नहीं किया गया है, लेकिन जो ब्रेन के फंक्शनिंग बताया गया है उसमें ये तीन डोमेन या तीन फैकल्टीज मानी गई है,
कि इसमें जो तीन चीजें जो होती है तो वो हमारे ब्रेन में ही होती है, और इसमें एक चीज से हम जो नॉलेज है या राइट अंडरस्टैंडिंग है उसका हमको बोध होता है, दूसरा जो है वो स्किल है जिससे हम अपने बॉडी को रेगुलेट करते हैं, और तीसरा जो है वो हमारी फीलिंग्स या अफेक्शंस को रेगुलेट करता है। जी जी, तो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो देखिए अभी तो जो प्रीवेलेंट साइंस है उसमें तो मानव को शरीर मात्र मानते हैं, तो जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं उसको ब्रेन के स्तर पर ही हम एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन है तो ऐसा मान लेते हैं कि ब्रेन में ही रीजनिंग हो रही है, तो इस बात को हम और बारीकी से देख सकते हैं। तो जो रीजनिंग हो रही है वो मैं में हो रही है, ठीक है ना, और मैं उसके लिए ब्रेन का प्रयोग कर रहा हूँ, तो मेरे अंदर जो रीजनिंग हो रही है उसका शरीर पे प्रभाव जा रहा है, ब्रेन पे प्रभाव जा रहा है, और ब्रेन में जो घटनाएं हो रही है उसमें पढ़ रहा हूँ। तो जो प्रीवेलेंट साइंस है उसमें ये जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है उस पर क्लैरिटी नहीं है। तो अभी हम लोग जो बात कह रहे हैं कि दृष्टा मैं हूँ, कर्ता मैं हूँ, भोक्ता मैं हूँ, अब जब मैं इस दृष्टा भाव के साथ शरीर का प्रयोग करता हूँ तो शरीर पे प्रभाव पड़ेगा ही। तो जब मैं समझता हूँ तो समझने का भी शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, नहीं समझता हूँ तो भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। मैं कोई शरीर से कर्ता भाव के साथ कार्य लेता हूँ तो इसको अभी साइकोमोटर डोमेन कह रहे हैं, तो उसमें भी शरीर के साथ मैं कोई कार्य करता हूँ, है ना, कोई हरकत करता हूँ, उसमें भी देखें तो निर्णय मेरा होता है, शरीर का मैं प्रयोग करता हूँ। तो क्या हो रहा है कि ब्रेन पे जो प्रभाव पड़ रहा है, शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका तो प्रीवेलेंट मेडिकल साइंस में काफी स्टडी किया गया है, तो अभी साइकोलॉजी में भी किया गया, बट जो सेल्फ हो रहा है चूंकि उसका एग्जिस्टेंस क्लियर नहीं है इसलिए उसका स्टडी नहीं किया गया। तो अब हम इसमें थोड़ी चीजें और बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सारा कुछ बॉडी में ही हो रहा है या मुझ में हो रहा है और बॉडी में उसका प्रभाव जा रहा है। अगर इसको हम देख पा रहे हैं बहुत अच्छा, नहीं तो उसको भी ओपन रख लें, क्योंकि प्रीवेलेंट साइंस भी ये क्लेम तो नहीं कर रहा कि सेल्फ नहीं है, बट वो जितना ऑब्जर्व कर पा रहा है उसको अपनी ईमानदारी से रख रहा है कि भाई मैं इतना ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, आगे का मुझे पता नहीं। हाँ, और ये जो अफेक्टिव डोमेन है, जो फीलिंग जो होती है, ये इसमें भी मतलब कुछ लोग मानते हैं फीलिंग हार्ट में होती है, कुछ लोग मानते हैं फीलिंग ब्रेन में होती है, तो ये जो अफेक्टिव डोमेन है जो फीलिंग्स को रेगुलेट करता है, तो साइकोलॉजी मानता है कि ये सब ब्रेन में होता है, ये हार्ट में नहीं होता है। देखिए होता क्या है, आपको क्या लगता है फीलिंग कहाँ होता है? फीलिंग्स तो ब्रेन में होता है। देखिए इतनी सारी चर्चा जो हुई वो बहुत पकड़ में नहीं आई आपको, आप में फीलिंग हो रही है या आपके हार्ट में या ब्रेन में फीलिंग हो रही है, कहाँ फीलिंग हो रही है? सेल्फ में हो रही है, सेल्फ में हो रही है, बॉडी में नहीं हो रही है। जी, तो सेल्फ में जो फीलिंग होती है उसका शरीर पे प्रभाव जाता है। जैसे कोई बहुत ही दुखद घटना हुई है ना, उसका जो भाव बना, ठीक, वो इतना ज्यादा तीव्र बना कि उससे हमारे जो शरीर हृदय की धड़कन वो प्रभावित हो गई। तो ऐसा नहीं कि हृदय में भाव है, भाव तो आप में है, हृदय पे प्रभाव पड़ा। तो आप पाएंगे कि हमारे अंदर जो भाव होता है उसका प्रभाव शरीर के कुछ अंगों पे विशेष रूप से पड़ता है, ठीक। हाँ, जैसे दिल की धड़कन चेंज हो जाती है कभी। जी, हम जो विचार करते हैं उसका प्रभाव भी हमारे शरीर पे किसी अंग पे विशेष रूप से पड़ता है। जैसे आप अगर कोई व्यक्ति तनाव में रहता है तो उसके ब्लड प्रेशर पे प्रभाव पड़ता है, ठीक, ब्रेन पे प्रभाव पड़ेगा, हार्ट पे प्रभाव पड़ेगा, साइकोसोमेटिक जिसको बोलते हैं, साइकोसोमेटिक। जी जी, तो हमारे अंदर जो भी भाव होता है उसका शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पे भिन्न भिन्न तरीके से प्रभाव पड़ता है। किडनी पे भी प्रभाव पड़ जाता है कुछ लोगों का, अगर तनाव में है, डिप्रेशन में है, परेशानी में, किडनी पे प्रभाव पड़ता है। तो ये जो प्रभाव है इसको प्रभाव की तरह देखने की जरूरत है, ये प्रभाव है ना कि यहीं पे भाव है। तो मेरे अंदर भाव है, उस भाव का प्रभाव शरीर पे पड़ रहा, इस बात को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रभाव को तो अभी प्रीवेलेंट साइंस स्टडी करता है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स लगाता है बॉडी में, देखता है कहाँ कहाँ कैसे कैसे पल्सेज हो रहे हैं, कैसे कैसे सिग्नल्स आ रहे हैं। हाँ, लाइट डिटेक्टर वगैरह में भी यही होता है। जी, तो शरीर पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसको तो स्टडी कर लेते हैं, सेल्फ में क्या, और उसको स्टडी नहीं कर पाते हैं। अभी हम जो काम कर रहे हैं सेल्फ को स्टडी करने का काम कर पा रहे हैं, जो कि प्रीवेलेंट साइंस नहीं कर पा रहा है ना। और इसमें भी हम इसको माने नहीं, इसलिए बार बार बात हो रही है कि अदरवाइज हो सकता है कि हम भी कुछ मान के बैठ जाए, इसको ऑब्जर्व करें। तो कल जो बात हुई कि मैं हूं कि नहीं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वैसे हम अपने भाव को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं और भाव का जो शरीर पे प्रभाव हो रहा है उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी, बढ़िया, ओके ओके, बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई, थैंक यू। ये पूछना है, देखिए मन की आंखों से देखना क्या यही दृष्टा भाव है?
हम उसमें क्यों लाते हैं, मन की आंखों से देखना। देखिए तो जो दृष्टा है वो मन नहीं है, मन में तो चयन आस्वादन की क्रियाएं हो रही है ना। तो कई बार हम बोलते हुए कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे अगले व्यक्ति को बात पकड़ में आ जाए। तो मन की आंखों से नहीं, आप देख रहे हैं, आप देखने वाले हैं। तो अभी क्या होता है, कई बार लोग आंखों के सामने कोई दृश्य चल रहा होता है, ठीक, और उस दृश्य के आधार पर जो उनके अंदर भाव तैयार होना है उसको नहीं सुनिश्चित कर पाते हैं। जैसे सामने कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करके पड़ा हुआ है और हमारे अंदर उसके प्रति कोई ममता का भाव भी नहीं आ रहा, बस हम उस दृश्य को देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो भाई इनके अंदर भाव नहीं है। तो कहते हैं मन की आंखों से देखो। मन की आंखों से देखने का मतलब कि भाई अगर आपके संबंधी के प्रति, आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हो जाए तो क्या आप ऐसी मूक बने रहेंगे या कुछ करेंगे। तो हम लोगों को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए कई तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। अब हम उसको सीधा सीधा बात कह सकते हैं कि भाई आप दृष्टा भाव के साथ देख रहे हैं उसको, है ना, तो हमें दिखता है कि संबंध है उस व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति के साथ संबंध के भाव को देखते हुए मैं निर्णय ले सकता हूँ, कर्ता भाव में निर्णय ले सकता हूँ कि मुझे क्या करना है। और उस घटना को देख कर मैं दुखी विचलित नहीं होऊंगा, बल्कि मुझे उसका समाधान दिखाई देता है, तो मैं अपने आप में आराम में बना रहता हूँ और उस घटना के अनुसार मैं निर्णय लेता हूँ। तो स्वयं देखना तो स्वयं में हो रहा है ना। और जो शुद्ध दृष्टा है वो मन नहीं है, वो तो जो ब्लॉक B1 की क्रियाएं हो रही हैं वहां पे, जहां से हम संबंध को देख पाते हैं, व्यवस्था को देख पाते हैं, संस्थिति को देख पाते हैं। आस्वादन के स्तर पे तो हम खाली रूप को देख पाते हैं, विश्लेषण में हम गुण का विश्लेषण कर पाते हैं, बट जो चीजें ऐसी हैं जो सार्वभौमिक हैं, निरंतर हैं, उसको तो हम ब्लॉक B1 से ही देख पाते हैं। जी जी जी, ठीक है भैया। भैया दूसरा ये पूछना है, देखिए जैसे हम हमारी इमेजिनेशन को देखते हैं वैसे ही शून्य को देखना है? देखिए इमेजिनेशन क्रिया है, शून्य क्रिया शून्य है। अच्छा, तो क्रिया शून्य को देखने के लिए और अपनी योग्यता बढ़ानी होगी, क्योंकि अभी हमारा सारा अभ्यास क्रिया को देखने का है, है ना। तो अभी हमारी योग्यता अगर वहां तक नहीं गई है तो हम पहले क्रिया को ठीक से देखेंगे, स्वयं को देख पाएंगे, शरीर से होने वाले आदान प्रदान को देख पाएंगे। उसमें जब हमारी इतनी योग्यता बनती है कि हम क्रिया के आधार को देख सकते हैं तो देख पाएंगे उसको। जी ठीक है भैया, मैं इसको समझने की कोशिश करती हूं। जी, नहीं तो फिर इस क्रिया शून्य को भी हम कोई क्रिया आरोपित करके देखने का प्रयास करते हैं कि कोई बहुत ही विशेष प्रकार की क्रिया होगी, है ना, ये कोई विशेष प्रकार का कर्ता है, विशेष प्रकार का दृष्टा है, फिर हम वहां चले जाते हैं जबकि क्रिया शून्य है। जी क्या हो रहा है ना भैया, जैसे इन्फॉर्मेशन आ गया, मतलब अभी यहाँ चर्चा में, तो वो एक इमेजिनेशन में वैसे चित्रण हो रहा है, तो वो तो देखना नहीं है, तो वो थोड़ा सा समझना है इसको, वही चल रहा है भैया। जी जी, तो देखने का मतलब अगर हम ठीक से देखें तो संबंध को देखना है, व्यवस्था को देखना है, संस्कृति को देखना है। जैसे हम कल्पनाशीलता में देख पाते हैं कि एक इकाई दूसरी का एक साथ परस्परता को पहचान रही है, निर्वाह कर रही है, बट इस परस्परता के पहचाने निर्वाह करने में भी कुछ आधार में है, बेसिकली संबंधित हैं दो इकाइयां, इसकी को हम कई बार अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते, इसे देख भी नहीं पाते, तो जब अप्रिशिएट कर पाते हैं तब देख पाते हैं इकाइयां संबंधित है। हाँ भैया, ये जो चर्चा चल रहा था कि बॉडी ब्रेन और सेल्फ का, तो इसको मैं ऐसा समझता हूँ जैसे कंप्यूटर में कि जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं माउस के थ्रू, माइक के थ्रू, मत करिए, ये समझना है ही नहीं। ये तो दो चीजों को आपस में बैठा कर कुछ विश्लेषण करना है, तो हम बिल्कुल मान आ जाए कि कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, ये सब ना करें, है ना, हम जैसा वैसा देखें। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे प्रश्न नहीं, नहीं समझाने के लिए भी ना करें। देखिए मुद्दा तो समझने का है ना, तो अगले व्यक्ति को भी समझना है, वो फिर वहीं फंस जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि भाई कंप्यूटर होती है उसमें सॉफ्टवेयर होता है, वैसी बॉडी है, सेल्फ है, तो बच्चे कहते हैं कि सर सॉफ्टवेयर तो उड़ जाता है, सेल्फ भी उड़ जाता है, इसे क्या उत्तर देंगे? ठीक है ठीक है ठीक है भैया, जैसा कि मैंने आपने अभी बोला मेरे अंदर भाव है, भाव का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, ये बात बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ अपने शरीर पर। मैं कुछ दिन पहले गाड़ी से गिर गई थी, मेरे अंगूठे में क्रैक हो गई थी हड्डी,
और मैंने 15 दिन बाद उसको एक्सरे कराया और जब दर्द सहन नहीं हुआ, जब मेरे अंदर तीव्र सूचना आई तो मैं उस पर मैंने निर्णय लिया था कि नहीं नहीं चलेगा चलेगा, लेकिन जब मैं शरीर से तीव्र सूचना आई, संवेदना आई, तो मैंने दिखाने का निर्णय लिया, हड्डी क्रैक निकली। और अब है ना 2 महीने से ज्यादा हो गए तो है ना वो अंगूठा है ना मुड़ नहीं रहा है। अगर मैं पहले होती ना तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाती, परंतु मैं उसको है ना इतना अच्छा लग रहा है, मतलब उस पर ध्यान तो है लेकिन है ना मैं सोच रही हूँ अरे हो जाएगा ठीक हो जाएगा, मतलब घबराहट जो पहले होती थी अब नहीं होती है। तो ये चीज मुझे अंदर हो रही है। इसी प्रकार जब मैं वर्कशॉप में गई थी तो वहां सीढ़ियों पे से गिर गई थी, तो सीढ़ियों पे से गिरने से मेरे दूसरे पैर में चोट आ गई थी और बहुत सारा मतलब दर्द भी हो रहा था, लेकिन मैंने अपने अंदर निर्णय लिया कि मेरे प्राथमिकता किसकी है, वर्कशॉप में अटेंड करने की। और वो तो मैंने देखी कि मैं खो गई, मतलब मैं उसमें खो गई और मेरे अंदर जो दर्द हो रहा था वो मैं भूल गई। उसके बाद है ना जब मैं रूम पे गई और जब मैं घर पे आई तो वो दर्द मैं ज्यादा फील कर रही थी। तो ये चीजें हो रही हैं भैया, और बहुत मतलब खुद को, शरीर को भी और खुद के सेल्फ को भी मैं देख पा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। आपने ये तो दिया है कि हम कैसे मैं को निर्णय लेता है और मैं पढ़ पाती हूँ चीजों को, तो अच्छा लग रहा है भैया, बस यही शेयर करना था। और ये पूछ रही हूँ कि कहा जाता है कि भावात्मक व्यक्ति कमजोर होते हैं, ऐसा क्यों बोला जाता है? देखिए भाव और भावुकता ये दो अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, भावुकता का मतलब कि हमको संबंध पहचान में तो आ रहा है और संबंध समझ में नहीं, तो हम भावुक हो जाते हैं। संबंध अगर समझ में भी आता है तो हमारे से भाव की निश्चितता स्थिरता बनी रहती है। जैसे जो उदाहरण लिया उन्होंने कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, अगर हाँ मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं, तो अगर सिर्फ संबंध पहचान में आ रहा है तो उसको देखकर हम भावुक हो जाएंगे, है ना, हो सकता है दुखी हो जाए, रोने लगे, बट यदि संबंध दिख रहा है तो मुझे आप उस व्यक्ति के साथ अपनी भागीदारी दिख रही है। तो संबंध को पहचानना एक बात है, संबंध को समझ पाना, देख पाना, उससे आगे की बात है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके जो संबंध को पहचान भी नहीं पा रहे है ना, तो हम कहते हैं भाई वो भावुक भी नहीं है, उनको देखकर कोई भाव ही नहीं तैयार हुआ उनके अंदर। उससे आगे की स्थिति की हम कम से कम भावुक हुए, उससे आगे की स्थिति की हमारे अंदर भाव निश्चित बना रहा, उसके साथ हम भागीदारी कर पाए। अच्छा अच्छा जी भैया, तो मतलब जो मैंने अपने शरीर और की चोट और वो मैं करने ने बताया वो ठीक चल रहा है ना भैया, सही दिशा में है कि मैं जी, अच्छा तो ठीक है। हाँ, उसको और थोड़ा ऑब्जर्व करें तो मैं को देख पा रहे हैं कि नहीं, इसको अभी ओपन रखें, बट हाँ इतना जरूर है कि अभी जो शरीर के साथ निर्वाह कर रहे हैं उस पे अपना ऑब्जर्वेशन पहले से अधिक शार्प होता जा रहा है, ये अच्छी बात है। जी जी, थैंक यू भैया, यही जानना था और बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब जीते हुए आनंद आ रहा है। सब मैं एक चीज सोच रहा था कि मैक्सिमम टाइम तो हम बॉडी के लिए यूज करते हैं, मैं भी ऐसा ही करता आया हूँ साहब, मैं के लिए तो बहुत कम टाइम लगाया है जी, तो ये मेरा थोड़ा डेयरिंग थी साहब। मुझे लगता है 95% टाइम तो बॉडी के लिए लगता रहा है साहब, उसकी फिजिकल फैसिलिटी। हाँ, ऐसा हो सकता है, तो इसलिए तो अब कम से कम हम सजग हो जाए, अब तो हम शरीर का सदुपयोग करें, साधनों का सदुपयोग करें जी। और सदुपयोग तो तभी है जब हम मैं में दृष्टा भाव को पुष्ट कर पाए, कर्ता भाव को पुष्ट कर पाए और भोक्ता भाव में निरंतर सुखपूर्वक जी पाए। और चीज, एक चीज और ऑब्जर्व कर शरी साहब, जैसे मैं बनारस में हूँ तो जो सरकारी क्वार्टर है उसमें आम के पेड़ भी हैं, केले के हैं, तो एक बट वो इतना प्रोडक्शन अपना आप दे देते हैं कि मेरे तक किसी यूज के है नहीं, बेटर ये है कि इसे नियर बाई डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। तो प्रकृति साहब अपने आप ऐसी व्यवस्था करती है शेयरिंग की। जी, अब आप ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक बात है। अब आपको अगर संबंध दिखाई देगा तो आप सदुपयोग करेंगे। मैं साहब ये कह रहा था, ये थोड़ी रोड चल रही है साहब, जैसे वाराणसी में हूँ तो यहाँ सरकारी क्वार्टर है साहब, तो वहाँ फल के पेड़ लगे हुए हैं ऑलरेडी, तो इतना उसमें प्रोडक्शन हो जाता है कि शेयरिंग करने के लिए आई एम कंपेल्ड।
उन्हें साहब यूज कर ही नहीं सकता मैं जी, मतलब प्रकृति ने शेयरिंग की व्यवस्था बनाई है साहब अपने आप। जी जी बिल्कुल जी साहब, जी साहब अगर हमें संबंध दिखाई देता है तो बिल्कुल हम शेयरिंग कर ही पाते हैं। ठीक बात है।